प्राइम प्रोडक्ट्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं उनिशा सरो शाही नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। महाराष्ट्र में भाजपा सरकार बनने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखी गई। वहीं चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट चौराहे पर आतिशबाजी भी की गई, जिसमें सांसद सीपी जोशी, पूर्व यूआईटी चेयरमैन सुरेश जनवर, श्रवण सिंह, राव रघु शर्मा व पार्टी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। वह सांसद सीपी जोशी ने अफीम नीति के बारे में जानकारी दी। विधेयक और समस्याएं रखी गयी है। फसल खराब हुआ है इस बार, जो बहुत अतिवृष्टि हुई, उसमें राज्य सरकार ने जो गिरदावरी करने में जो देरी की और भारतीय जनता पार्टी और किसानों के आंदोलन के बाद इन्होंने गिरदावरी करने का निर्णय किया। और गिरदावरी में भी भारत सरकार ने वर्षों बाद 50% जो खराबे का नियम था उसको घटाकर 33% किया, और इसी का परिणाम था कि पिछले 5 वर्षों में फसल खराबे का करोड़ों रुपये किसानों के खातों में है, चाहे SDRF के माध्यम से हो चाहे NDRF के माध्यम से हो। लेकिन अभी भी राजस्थान की सरकार ने जो अधिकारियों को निर्देश दिए हुए नीचे कि ये जो खराबा है उसको 30-32% मैक्सिमम तक दर्शाना है ताकि किसानों को मुआवजा नहीं देना पड़े, NDRF 100% पैसा भारत सरकार देगी और SDRF का भी 75% भारत सरकार पैसा उसमें कंट्रीब्यूट करती है। तो ऐसे में राजस्थान सरकार का लगता है कि किस प्रकार किसानों के प्रति वो धोखा और उनके हितों की रक्षा नहीं कर पा रही है, उनके साथ धोखाधड़ी का काम कर रही है। तो ये विषय हमने लोकसभा में उठाने का काम किया। दूसरा, अफीम के अंदर किसानों के पिछले 5 वर्षों में 18,000 से 80,000 लाइसेंस बढ़ाने का सरकार ने काम किया। इसके अलावा भी एक अफीम बोर्ड बने, ऐसा जैसे कॉफ़ी बोर्ड है ऐसे कुछ टी बोर्ड बने हुए। तो मैंने एक प्राइवेट मेंबर बिल मैंने अपनी ओर से पार्लियामेंट में पेश किया है, तो उसमें बोर्ड बने, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ किसानों के प्रतिनिधि भी रहे और जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्या है, उनको समाधान के लिए, चाहे उनका पैसा बढ़ाना हो, चाहे उनकी फसल खराब हो गई थी, इंश्योरेंस पॉलिसी बनानी हो, इन सारे विषयों को लेकर मैंने एक मसौदा तैयार किया और उसको कल ही पार्लियामेंट में उसको पेश किया। साथ ही राजस्थान में पुरातत्व संरक्षण के लिए हेरिटेज, चूँकि यहाँ राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ हेरिटेज भी है, जहाँ मॉन्यूमेंट भी हैं, चाहे यहाँ वाइल्ड लाइफ भी हैं या सेंचुरी भी हैं या कई झरने भी हैं या नदियाँ भी हैं, ऐसा प्रदेश है जहाँ सर्वव्याप जिसको कह सकते हैं, जिस प्रदेश में पर्यटन की प्रचुर संभावना, राजस्थान है। ऐसे में यहाँ हेरिटेज को लेकर, उनके संरक्षण और नवीनीकरण को लेकर हमने विशेष रूप से भारत सरकार से मांग की। हालाँकि भारत सरकार ने हेरिटेज सर्किट में यहाँ राजस्थान के 6 मॉन्यूमेंट है जिसमें चित्तौड़ भी है के, उसमें 100 करोड़ रुपया दिया हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य कि वो पैसा RTDC को दिया और पिछले 1.5 वर्षों से उस पैसे का उपयोग नहीं हो पाया और उस वजह से, उस योजना की वजह से आने वाली योजना भी बाधित हो रही है। तो हमने मांग की है कि वो योजना भी जल्दी प्रारूप में आए और इसके अलावा भी और संरक्षण के लिए पैसा दिया गया। कमीशन प्रधानमंत्री खनिज कल्याण कोष जो पैसा भारत सरकार के खजाने में जमा होता था। चित्तौड़गढ़ से SP सुखवाल की एक रिपोर्ट।